की सिस्टम में बदलाव होना, जहां हम पैसा देते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, जैसा सारथी और धारथी और भारती की धरती पे जिस तरह से माइनॉरिटी को नहीं था न्याय, अभी हमने वो फैसला लिया कि हिंदुस्तान के बाहर जो टॉपर कॉलेज है दुनिया के अंदर, जो सबसे बड़े जहाँ पीजी किए जाते हैं, जहाँ पैसा लगता है, उसके लिए एक बच्चे के ऊपर 40 लाख रुपए तक खर्चा महाराष्ट्र सरकार करेंगी, और ताकि दूसरे समाज के बरोबर मुसलमानों को भी न्याय और इंसाफ मिले। कि पहली बार किसी कैबिनेट मंत्री से इतनी खुलकर हमने बात की है, और इतना अच्छा लगा, जितने लोग आए थे आज, बॉम्बे के क्रीम क्लास को आज बुलाया गया था और सब बहुत खुश हुए। जो हमारे मंत्री साहब ने बात की है उससे इतना हमारा दिल बड़ा हुआ है, तो बड़ी खुशी हुई है, और काफ़ी लोग दुआएं दे रहे हैं कि आज हमको ऐसे लोगों से मिलाया है, ऐसे मंत्री से मिलाया है जो काम करना चाहता है, और जिन्होंने 10 महीने का पीरियड तय किया है कि 10 महीने में वो काम करेंगे जो 100 साल में काम नहीं हुआ। मंत्री साहब के आगमन जब फर्स्ट टाइम हुआ है या उससे पहले? पहली बार आए, अभी हमेशा आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो सत्तार साहब ने जिस तरह से यहाँ पर आकर लोगों को विश्वास दिलाया है और वादा किया है, हमने माइनॉरिटी का एक मुद्दा उठाया था कि आजकल जो माइनॉरिटी महा डीबीटी के पोर्टल पे जो 25,000 प्रोफेशनल कोर्सेज में मिलते थे, जैसे आप डिप्लोमा, डिग्री, बीए और उसके बाद आप एमबीए, ये सारे कॉलेजेस में सबको 25,000 माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप मिला करती है, जिसके लिए उनको डॉक्यूमेंट जो लगता था वो एक सिंपल डॉक्यूमेंट था कि उनको डोमिसाइल चाहिए और उन महाराष्ट्र का होना चाहिए, और उनको एक 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे इनकम डिक्लेरेशन करना पड़ता था। लेकिन लास्ट ईयर ये स्कॉलरशिप 25,000 से 50,000 हो गई, और देखने में ये आया कि 50,000 हो गए तो बहुत खुशी की बात हुई, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन हुआ है जिसमें 10 रुपीज़ के एक पेपर पर डिक्लेरेशन होता था इनकम का, अब उन्होंने वो डिक्लेरेशन बताया है कि उनको वहाँ से जाके लेना पड़ेगा, इनकम सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो जब इनकम सर्टिफिकेट लेने जाते हैं तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं जो हमारे लोगों के पास नहीं है, और जिसके वजह से उनको वो सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता है, और जब सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो 50,000 भी नहीं मिलते। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि गवर्नमेंट ने उनको 25 से 50 तो कर दिया, लेकिन वो 25 जो मिल रहे थे अब तो वो भी नहीं मिल रहे, क्योंकि पहले तो 10 रुपये के स्टैम्प पे 25 तो मिल जाता था एटलीस्ट, लेकिन अब उनको इनकम सर्टिफिकेट लाने के लिए जो जितनी तकवदू करनी पड़ रही, बहुत तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन बहुत कच्चा है लोगों का, लोगों के पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, डोमिसाइल बन गया है लेकिन उनके पास बाकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो वो क्या करेंगे? जो 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 इंसान बाहर एक ठेला चलाता है वो कहाँ से सर्टिफिकेट लाएगा कि मैं कितना कमाता हूँ? तो सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट लेने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, और उस वजह से लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे। तो ये रिक्वेस्ट हमने आज की थी कि आप थोड़ा सा वो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन को हटाइए, जो सेल्फ डिक्लेरेशन है माइनॉरिटी का जो पहले था 25,000 के लिए, वो सेम प्रोसेस अभी भी रखिए 50 के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। आज की जो बैठक, क्या लगता है आपको कि कुछ असरदार रहेगी, कुछ आगे चल जाए? जी नहीं, आज की बैठक से तो बहुत अच्छा हुआ, और जिस तरह आज हम लोगों ने बिरला मातोश्री में भी ये प्रोग्राम को अटेंड किया था, हमारे अंजुमन की तरफ से था, और उसमें भी उन्होंने बहुत सारी बातें की, उन्होंने बताया कि नहीं इंशाल्लाह ज़रूर वो करेंगे, लग तो रहा है, देखिए बोला तो गया है कि वो करेंगे और 10 महीने में वो बिल्कुल ये सब सारे काम होंगे। जिस तरह इतने साल हमने इंतज़ार किया, और 10 महीने इंतज़ार करके देख लेते हैं कि आज जो सारे वादे किए गए क्या वो भी पूरे होते हैं कि नहीं, तो सबके सामने रिजल्ट आ ही जाएगा इंशाल्लाह।